गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे इज ऑनलाइन क्लास। टुडे सब्जेक्ट इज मैथ्स एंड लेसन नंबर अपना 14। ओके, लेसन नंबर 14 में का क्या चालू है? एक्सरसाइज नंबर 14C। तो फर्स्ट एग्जांपल, द प्राइस ऑफ अ कंप्यूटर इज ₹27,000। द सेल टैक्स चेंज इज 12%। फाइंड द अमाउंट दैट यू विल हैव टू पे इफ यू बाय इट। देखो, कोई भी चीज़ को गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, तो यहाँ पे देखो कंप्यूटर कितने का था, 27,000 का, और सेल टैक्स कितने का लगाया गवर्नमेंट ने, 12% का। तो टोटल अमाउंट अपने को कितनी पे करनी पड़ेगी शॉप वाले को? तो देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर ₹27,000। ओके, सेल्स टैक्स इज इक्वल टू 12% ऑफ ₹27,000। ओके, तो ₹ इज इक्वल टू ₹12/100 मल्टीप्लाई 27,000। ये फार्मूला है आपका, 12/100 मल्टीप्लाई 27,000। ओके, वैल्यू पुट किया मैंने यहाँ पे आपकी। देखो यहाँ पे दो जीरो, ये दो जीरो कट जाते, मीन्स यहाँ पे बचे 12 × 270। तो मीन्स इन दोनों का मल्टीप्लीकेशंस करो तो क्या आंसर आएगा, ₹3,240। ओके, तो फिर अब क्या निकलना, आई विल हैव टू पे ₹27,000 प्लस अपना जो सेल टैक्स कितना निकला है, 3,240। तो फिर प्लस 3,240, इन दोनों का एडिशंस किया तो आंसर आएगा ₹30,240। मीन्स अपने को कितना पे करना पड़ा, हैंस ऑन द परचेज द कंप्यूटर आई विल हैव टू पे 30,240। मीन्स क्या हुआ, देखो एग्जांपल और एक बार समझाती हूँ मैं। कॉस्ट ऑफ कंप्यूटर था 27,000 का, सेल टैक्स लगाया था 12%। ओके, ऑफ ₹27,000 पर, तो ₹ क्या लिखा मैंने, 12/100 मल्टीप्लाई 27,000। तो यहाँ के दो जीरो कट गए, मीन्स क्या बचा यहाँ पे, 12 × 270। तो 12 × 270 से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किया तो क्या आंसर आया अपना, 3,240। तो आई विल हैव टू पे 27,000 प्लस अपने को टैक्स कितना देना पड़ा, 3,240, मीन्स उसमें ऐड करना पड़ा, तो अपने को क्या टोटल प्राइस कितनी देनी पड़ी, 30,240। मीन्स हेंस द परचेज द कंप्यूटर आई विल हैव टू पे 30,240। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल दिया हो, मिस्टर मनोरा बोथ अ जॉकेट फॉर 5,000। उसने जॉकेट लिया था फॉर 5,350। ओके, इंक्लूडिंग इन द 7% टैक्स लगाया उस पर, सेल टैक्स। ओके, एंड शर्ट लिया था उसने 448 का, और उस पर टैक्स लगाया है 12% का। ओके, तो फाइंड द मार्केट प्राइस विदाउट सेल टैक्स ऑन द जॉकेट द शर्ट टुगेदर। देखो सेल टैक्स, विदाउट सेल टैक्स निकाल कर अपने को बताना है कि टोटल कितने पे करने पड़े। ओके, तो यहाँ पे सॉल्यूशन, लेट द मार्केट प्राइस, लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द जॉकेट बी ₹X। फॉर एग्जाम्पल क्या लेंगे अपन, एक्स, तो देन एक्स प्लस 7x/100 इज इक्वल टू 5,350। तो देखो 100 हो जाता है 107x/100 इज इक्वल टू 5,350। तो इन दोनों को x को इधर साइड लाओ, 5,350 मल्टीप्लाई 100 करेंगे, अपॉन कितना करेंगे, 107
107. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशंस करके जो आंसर आता है उससे डिवाइडेड क्या करेंगे, 107 को. ये दोनों का मल्टीप्लीकेशंस करने का, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन होने के बाद में डिवाइडेशंस कैसे करेंगे, डिवाइडेड 107 से करेंगे. तो मीन्स आंसर क्या आएगा अपना, 5000. ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे. सो नेक्स्ट, सो द मार्केट प्राइस ऑफ द जॉकेट रुपीज 5000. मीन्स जो टैक्स लगा हुआ था, 7% टैक्स लगा हुआ था, तो उससे अपने जॉकेट की कीमत कितनी थी, 5350. तो अपन ने वो सेल टैक्स निकाल दिया, तो उसमें क्या मार्केट प्राइस कितनी हो गई, 5000. ओके, तो यानी 350 कितना परसेंट, 7% का अपने को सेल टैक्स देना पड़ा था, इसलिए अपने को मार्केट प्राइस की इससे कितना हो गया, ये 5000. लेट द, अभी शर्ट की प्राइस निकालेंगे. लेट द मार्केट प्राइस ऑफ द शर्ट, ओके, बी रुपीज वाई लेंगे. पहले इसमें क्या लिया अपन ने, एक्स, अब लाएंगे वाई. देन वाई इज वाई प्लस 12y अपॉन 100 इज इक्वल टू 448. तो क्या आ जाएगा, 112y अपॉन 100 इज इक्वल टू 448. therefore y को ये साइड लो, y इज इक्वल टू 448 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 112. इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करके जो आंसर आता है उसे 112 से डिवाइड किया तो आंसर आया अपना 400. तो सो द मार्केट प्राइस कितनी हो गई फिर शर्ट की, so the market price of the shirt rupees 400. okay, so therefore market price of the jacket and shirt rupees 5000 प्लस 400 तो क्या हो जाएगा, 5400. ओके, तो हेंस द मार्केट प्राइस ऑफ जॉकेट इन शर्ट टुगेदर 5400. इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 14C सॉल्व करना है. देखो मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर कंप्यूटर का परचेस का बताया था, तो उसी तरह से ये सॉल्व करना है आपको. अभी जो सॉल्व किया, जो अपन ने बेडशीट दी हुई है 4481.50 इंक्लूडिंग इन द 7% सेल टैक्स, अभी जो अपन ने सॉल्व किया विदाउट सेल टैक्स का, उसी तरह से आपको ये सॉल्व करना है. ओके, इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 14C सॉल्व करना है आपको.